taste sweet victory. I know this life meant for me. Yeah, why would you bet on Goliath? Bet David. Value taming, giving values contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to haters. How they run, homie, look what I become. I'm the one. का बचपन कैसा था? आपके पिताजी कैसे थे? क्षत्रिय होने का मतलब यह है, राजपूत होने का मतलब है कि हम किसी पर गलत रूप से हावी हों, दुराचार करें या कुछ भी करें, मारें पीटें। ये भावना क्षत्रिय नहीं होता है। क्षत्रिय का कहिया भावना होता है कि हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, किसी को लड़ाते नहीं, कायदे से रखते हैं, कोई गलत करता उसको रोकते हैं। ये लोग नदी के किनारे थे, पहले बरसात होता था, पानी उनी बहुत बढ़ता था, तो फिर डूबते थे, परेशान होते थे, तो हमारे पिताजी वगैरह इन लोगों को ला करके अपने ज़मीन में बसा दिए। बसाने के बाद ये लोग धीरे धीरे करके हमारे ज़मीन जितना दिया गया था उतना तो लिए ही, बाद में ये लोग अवैध कब्जा बनाना शुरू कर दिए। अभी इस समय गाँव का कैसा माहौल है, आपको लगता है गाँव का माहौल अभी ठीक है? सभी लोग पैसा कमाने के चक्कर में हैं। यहाँ से हमारे गाँव के लगभग 90% लोग बॉम्बे रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकुलेस। हमारे साथ आज आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी और रामप्रसाद सिंह जी हैं। ये दोनों रिश्ते में मेरे सगे चाचा हैं और हम लोग अब ये जो चर्चा करेंगे इसको आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक जो नॉर्मल परिवार जो गांव में रहता है वो किस प्रकार से उसने स्ट्रगल किया है पास्ट में और किस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ा है। इस इंटरव्यू में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, जो पारिवारिक प्रेम है, पारिवारिक जो जेलसी है, पारिवारिक जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की इच्छा है और कई बार नहीं है, सब इसमें आपको मिलेगा। तो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत आजकल चला है कि जो राजपूत है उन्होंने बड़ा अत्याचार किया है, हमको बहुत परेशान किया है राजपूतों ने, तो आप लोग भी राजपूत हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हम तो यही कहेंगे राजपूतों के बारे में कि ये बहुत परोपकारी और साहसी बहादुरी का काम करने वाली जात होती है, सभी की रक्षा करने वाले होते हैं और किसी प्रकार का किसी के साथ अहित नहीं किए हैं। कुछ लोग चिढ़ करके इनसे ये सब अफवाहें उड़ाते हैं कि नहीं राजपूत ऐसे किए वैसे किए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो आपके एक दादाजी थे जो गांव में घूमते थे देखने के लिए कि शाम को किसके घर से धुआं निकला है कि नहीं निकला, उसकी बताइए कहानी क्या थी। हमारे दादाजी थे तो वो जमींदार थे और उसमें पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन ये था कि वो बहुत सुलझे हुए आदमी थे, उनका पैतृक गुण था उनके अंदर जिससे कि वो हर काम के लिए हर दूर दूर तक दूर दृष्टि उनकी थी, जिससे कहीं अगल बगल किसी के यहाँ कोई तकलीफ होता था, कोई खाने के लिए मोहताज था, तो शाम को टहल करके कुछ लोगों को भेजते थे कि हाँ उनके यहाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो लोग जाते थे देखते थे, जिसके यहाँ कोई कमी दिखती थी तो आगे बताते थे, तो उनका पूरा हेल्प करते थे वो लोग, खाने पीने का और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी सब पूरा हेल्प करते थे। तो जमींदार थे आपके दादाजी संग्राम सिंह जी? जी जी, तो उनके बारे में बताइए कुछ। तो हमारे बाबा जी बड़े सिंपल, बहुत साधारण प्रकृति के थे, लेकिन ये था कि उनके अंदर दूरदर्शिता ज़्यादा थी, तो हमारे वंशज की अगली जनरेशन में कैसे सुखी रहेंगे लोग, ये सब सोच करके वो कुछ न कुछ काम करते थे, लोगों का भी हेल्प भी करते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे। तो उस समय हमारे तहसील के कई गांव नीलाम हो रहे थे, जमींदारी प्रथा थी, तो हमारे बाबा कई गांव को खरीदे, जमींदारी खरीदे और तहसील में गए थे, हमारे यहाँ से एक ऊँट पैसा सिक्का, उसमें चांदी का सिक्का चलता था, तो गोनी में भर करके एक ऊँट और 9-10 आदमी बोरे में भर के, बोरे में ना, हाँ लेके जाते थे और वहाँ गए तहसील में, जब रजिस्ट्री हुई है तो वहाँ का जो रजिस्ट्रार था वो उठ करके और तहसीलदार, वो लोग आए हमारे बाबा का चरण स्पर्श किए कि इतना बड़ा अमाउंट इस तहसील में, आज भी ऐसा है कि आज तक कोई ऐसा रजिस्ट्री नहीं हुआ है जो उस अमाउंट के बराबर हो। अच्छा, तो जो संग्राम सिंह जी वैसे पैसा कमाए कैसे थे? नहीं, जमींदारी था, हाँ। लोग वसूलते थे, हम लोग भी। पहले कैसे कमाए? जमींदारी तो बाद में ली ना उन्होंने, पहले क्या करते? नहीं तो पहले था ना कि और खेती हम लोगों की थी,
खेती से कुछ पैसा इकट्ठा करते थे। इसके बाद जब जो जमीन था गांव के लोगों से, जैसे इस समय टैक्स लोग लेते हैं, कर लेते हैं, उस समय लेते थे जमीनों को देख देख करके कितना एक बीघे का इतना होता है, तो उस तरह से लोग लेते थे, वही पैसा इकट्ठा करते थे। और पहले इतना खर्च नहीं था, इतना वो नहीं था, तब वो पैसा इकट्ठा किए। इसके बाद धीरे धीरे करके जब जमींदारी थोड़ा थोड़ा लेते लेते ज़्यादा विस्तार रूप से हो गया, तब ये अपना जमींदारी खरीदे हैं। तहसील के जो सीनियर लोग थे वो आकर के चरण स्पर्श किए, और बाबा जी हमारे बड़े सैंपल थे दादाजी, वो उस समय बहुत से जमींदार थे जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, साफा वाफा तो बांधते थे, लेकिन हमारे बाबा जी एकदम आज के योगी जी जैसे हैं उसी तरह से। योगी जी ने एक बात कही थी कि किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जो है बड़ा राजपूतों की साइड लेते हैं और क्या कहते हैं राजपूत जाति पे बड़ा गर्व है आपको, तो योगी जी ने कहा था कि क्यों ना हो गर्व, भाई भगवान हमारी जाति में पैदा हुए हैं, मतलब भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, अर्जुन हो, सब सबके सब राजपूत ही थे, तो क्यों ना गर्व ले। इस पे क्या कहना है आपका, अगर आप कहना चाहें? मेरा कहना यह है वो सब का या प्राकृतिक गुण होता है, कुछ कुछ का या ईश्वर की देन होती है, ईश्वर की देन होती है, तो का या तो उन्होंने सही कहा, लेकिन कह देखे कि जात ऐसी है जिसमें कह देखने से चलता पता चलता है कह जाता कि इस हर चीज़ में सक्षम हो गए और ऐसा करके दिखा भी देते हैं, लेकिन ये गर्व करते हैं ये बात नहीं है, उसको कम होता है, वो प्रसन्नता जाहिर करते हैं, गर्व नहीं करते। तो अब इतनी जमींदारी थी, इतनी जमीन थी, सब कुछ था, तो उसके बाद कैसा हुआ आपका बचपन, कैसा था आपके पिताजी कैसे थे? बचपन ठीक था, जैसे हम लोगों को होता वैसे हम लोगों का बचपन था। पिताजी भी हमारे साधु दिमाग के थे, उसी प्रकृति के थे, बाबा जी भी वैसे थे, दादाजी, इसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी है कि क्षत्रिय होने का मतलब यह है, राजपूत होने का मतलब है कि हम किसी पर गलत रूप से हावी हों, दुराचार करें या कुछ भी करें, मारें पीटें, ये भावना क्षत्रिय नहीं होता है। क्षत्रिय के कई भावना होता है कि हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, किसी को लड़ाते नहीं, कायदे से रखते हैं, कोई गलत करता है उसको रोकते हैं, ऐसी बात नहीं क्षत्रिय गुण की है कि पाप करें, तो गर्व करना पाप में ही चला जाए, गर्व दूसरी बात होती है। अपने बचपन के बारे में बताइए आप। नहीं, हम लोग जब छोटे थे, हमारे सभी भाई हमसे बड़े थे, छह भाई थे, हम छह भाई में सभी हमसे बड़े थे, तो शुरू में जमींदारी थी जब, तो उस समय का तो हम लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लगभग सन 52 में पैदा हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद कई साल बाद तब जाकर के जब हम लोगों को जानकारी हुई तो समझ में आने लगा, तो हमारे पिताजी बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत सीधे साधे थे, उनको ये सब ऐसा आराम लेने की जमींदारी में कोई वो थी नहीं, तो हम लोग उन्हीं के आचरण का अनुकरण करते रहे और सिंपल ढंग से हम लोग भी अपना जीवन यापन किए, किसी को सताए नहीं, न किसी का चोरी किए, न लूट किए, न किसी को सह देते थे कि नहीं आप लूट करके हमको दीजिए, इसलिए हम लोग उसी स्तर पे चले आए अब तक। अब धीरे धीरे बच्चे हैं, विकास कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के एक बड़े भाई हैं डूडू सिंह जी, उनके बारे में क्या कहना, उसके बाद फिर इनकी चर्चा करेंगे हम। हमारे लेवल से हमसे बड़े एक भाई थे अवधेश नारायण सिंह, उनके बाद उनका वो ये है जो हाँ, कि ये हाँ, है, जी जी, तो इनके इनसे बड़े थे वो भाई साहब। बड़े हैं थे का बत बड़े थे नहीं बड़े हैं ना हाँ बड़े हैं हाँ, तो वो बहुत निडर, बहुत साहसी और हर तरह से संपन्न थे हर बात से, और हम लोगों को सभी भाइयों को अपने छोटे बड़े भाई को भी मानते थे इस तरह से, ये होता था कि अगर इन भाइयों हमारे भाइयों को कोई कैसे भी तकलीफ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और वो उस तरह से उतारू हो जाते थे कि नहीं हमको मारना पड़ेगा तो मार देंगे और कोई भी ऐसी आवश्यकता होती थी हम लोगों को वो ला करके कहीं वो करते थे, व्यवस्था करते थे, और खाने पीने हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों का वो करते थे, सम्मान करते थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे, भाई साहब का करते हैं थे पहले लेकिन अब तो
आप बताइए, आप अपने बड़े भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे बड़े भाई साहब तो बड़े अच्छे हैं मेरे लिए, भगवान करे सबका भाई अच्छे मिले। लेकिन कोई बचपन की ऐसी कहानी जो आपको याद हो कि ये कहानी सबसे इंटरेस्टिंग थी बचपन में? अच्छा, कहानी तो कई है इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताने लगेगी तो दिल भी। एक ने एक बताइए, कोई भी एक कहानी। एक कहानी तो ये है, छोटे से उनको गया था, कांटा गड़ा था। अच्छा। बबूर का लंबा सा बड़ा वाला होता है, वो आर पार हो गया था, पैर सूज गया था, डोल नहीं पा रहे थे। घर के पीछे मेरे माता जी की चौरी है, उस चौरी पर डाल पर बैठे थे। उनका वहीं देखने गए, उनका स्वभाव है थोड़ा चिढ़ाना। तब कहा जाता है, जब वो गए तब कहा जाता है, पहले बोले कहा जाता है कि यहाँ तू इनका रुका करे, झूठे झूठ में हैं उनका यही क्या करे रहे, हम काम ना करे रहे, पहले यहाँ वा। इसी तरीके से बुला लिए, बुला के कहा जाता परेशान कर रहे थे, अब हमको गुस्सा लग गई, झूठे कर रहे थे, पहले पवा बेच मार के चले आए जहाँ काटा गया था। वो बड़े तेज से रोने लगे। जब रोने लगे हमको तो नहीं, मैं आए उनको भागना चाहिए था, लेकिन मैं कहा वहीं खड़ा होकर मैं फिर रोने लगा। ये कहानी हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये इतनी उम्र हो गई है आप लोगों की, लेकिन अभी भी भावनात्मक रूप से आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कैसे हो पा रहा है? भावनात्मक काया थे तो प्रकृति का काया तो कह लीजिए, मैं खुद भी नहीं जानता, भगवान की कृपा कर लीजिए, उन्हीं कैसी वो है जो भावना काया हम लोगों प्रदत्त किए, वैसे हमें विचार बनाए, हम लोग ऐसे रहे और भावना बढ़ती गई। ऐसे और भी गाँव में और भी लोग हैं, पर इतना नहीं दिख नजर आता ना लोगों के, अभी तो आपसे बड़े जवान जवान लोग हैं जो बात नहीं करते एक दूसरे से। नहीं नहीं, तो हमारे ऐसे नहीं भाइयों में ऐसा नहीं, हमारे भाई पहले से कहा थे ज्ञान के माने में संपन्न थे, घर में कहा से सबसे बड़े कहा से जो थे एडीएम साहब थे हैं, उन्होंने उन्हीं सब का कहा से है जो कहा थे इसे हम सब अपने मेंटेन रखे रहे प्यार में लोथा में हैं, कोई किसी सबसे प्यार लेता था, गलत काम नहीं करता, यही करने का वो भी नहीं होते। जैसे आपके खानदान में ये हुआ था निर्णय, जो जहाँ तक मुझे पता है कि दो लोग थे जो 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 दादा जी के बच्चों में दो ऐसे बच्चे थे जो बड़े थे, तो जो आपके दादा जी का प्लान था बहुत अच्छा था कि भाई दो बड़े बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर ये दोनों लोग जो है बाकी बच्चों को आगे लेके जाएंगे जीवन में, पर वैसा हो नहीं पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो हमको तो यही लगता है कि पहले बड़े भाई लोगों की शादी हुई, तीनों का बहुत लाड प्यार हुआ, हमारे गार्जियन थे पिताजी चाचा जी, ये सब बहुत इज्जत किए उन लोगों को, पढ़ाए लिखाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और कंधे पे रख के ले जाते थे लोग, और जलेबी और पता नहीं क्या क्या खाने को मिलते। वो लोग पाँचवीं चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ रहे थे तब हाथी से उन लोगों को बैठा के ले जाते थे, पिलवान जाता था, रामपुर छोड़ता था, वहाँ दही जलेबी खाने को मिलता था, बहुत ज़्यादा इन लोगों का वो हुआ। फिर ये लोग पढ़ के निकले, इसके बाद इन लोगों का सर्विस का वो हो गया, और सर्विस से पहले इन लोगों की शादी हो गई, शादी में दोनों बड़े भाई थे, तो उसमें पिताजी वगैरह ये सोचे कि इन लोगों को इतना ज़्यादा जेवर बनवा दिया जाए, सोने के गोल्ड बनवा दिया जाए, कम से कम एक एक सवा सवा किलो तक इन लोगों को सोने का वो बनाए, जेवर बनवाए। उसमें पहले ये लोग सोचे थे फादर वगैरह कि ये जितने बच्चे हैं सबको बारी बारी से ही शो किया जाएगा शादी में, लेकिन इन लोगों को डेली यूज के लिए दूसरा हल्के में बनवा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि एक एक किलो का बना लेते हैं। हाँ, और ये जो है हर बच्चे की शादी में यूज होगा। हाँ, समाज के लिए और इनके लिए मैं नॉर्मल बनवा दूंगा। नॉर्मल बन जाएगा, तो सबको नॉर्मल बनवाए। जी जी जी, जैसे सबको बनवाए थे उनको बनवा रहे थे। हाँ, तो जो पहले वाले जेवर थे तुम्हारे बड़े भाई साहब जो थे बहुत सीधे सीधे थे और उतना चालाक नहीं थे, लेकिन हमारी भाभी जो थी वो तो बहुत चालाक थी, तो जब अपने घर के मायके गई तो वहाँ से उनके पिताजी माताजी वगैरह पूछे कि तुम्हारा जेवर लेके आई हो, तो ये बोली कि नहीं जेवर रख लिए, और दूसरा हल्के में जेवर पहन के गई थी, तो वो जेवर जब रख लिए वो जाके बताई अपने मायके, तो वहाँ के लोग बोले कि इस बार आना, जाके आना तो सब लेके आना। जब भाभी जी यहाँ आई और बताने लगी माता जी को पिताजी को कि वहाँ बड़ी बदनामी हुई कि सब दूसरे का लेकर के दिखावा में ले आए थे, लेकिन इनका था नहीं, तो वो इस तरह से इन लोगों को बहका के अपना लेके गई, बाद में वो जेवर वहीं रख दिया।
अपने मायके, और जब वहाँ से वापस यहाँ आई तब हमारे चाचा वगैरह से पूछने लगे जेवर कहाँ है, ये बतायो तो हमारे माताजी और पिताजी रखवा लिए कि तुम्हारा है तो तुम रखो यहाँ। वो लोग दोनों भाई गए, जेवर एक चचेरे भाई थे और एक सगे भाई थे, दोनों के जेवर जो थे उन लोगों के वही ले लिए। तो आपके दादाजी जो चार पांच भाई थे वो एक तरह सोचते थे कि चलो इनको जो है दोनों सबसे बड़े हैं तो खानदान की इज्जत भी बची रहे और इनको हैंडल भी कर लिया जाए, लेकिन इन दोनों ने दोनों पुत्रों ने साथ नहीं दिया उनका। हाँ वो लोग थे तो अच्छे, लेकिन शादी होने के बाद इन लोगों की मानसिकता कुछ बदलती गई, चाहे ससुराल से हो या कहीं से हो, मानसिकता बदली और फिर इन लोग परिवार का देखभाल नहीं कर पाए। और उस समय ज़्यादा पेमेंट भी नहीं था इन लोगों का, और ईमानदारी तो थी परिवार में हमारे कि ये लोग न झूठ बोलते थे, न किसी को घूस देते थे, न घूस लेते थे, इसलिए हम लोगों को ये निकाल नहीं सके। तो उसमें ये भी है ना कि भाई रिश्वत नहीं ली समझ में आता है, पर आदमी बेसिक कोशिश करता है कि कई बार तो ये भी ज़रूरी है कि ये बता दिया जाए कि परीक्षा इतने तारीख को होगी, एक बार बार फॉलोअप करता है ना आदमी, वही बहुत है भाई। अगर होनहार लड़का है उसका आप फॉलोअप कर लो, उसी में कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो फॉलोअप वगैरह करते थे कि क्या कर रहे हो, कौन सी परीक्षा दे रहे हो, क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, इसमें फ्यूचर है, जो कि वो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो बता देते हैं इसमें फ्यूचर, इसमें काम करो, इसमें नहीं करो, ऐसा कुछ किया उन्होंने? नहीं, ये सब तो कभी नहीं बताए, ना कभी हम लोगों को लेके गए कि कहीं तुम लोगों को जॉब के लिए इंटरव्यू देना है या तैयारी करना है। उस समय तो आठवीं पास में बहुत था। हाँ आठवीं पास भी कहीं ना कहीं सरकारी सर्विस में आ जाते थे, लेकिन ये लोग या तो अपने पद की गरिमा सोचते हुए हम लोगों को छोटे पोस्ट पे जाने नहीं दिए, और छोटे पोस्ट के लिए प्रयास भी नहीं किए, और बड़ा पोस्ट बहुत मुश्किल हो गया था उस समय, इसलिए हम लोग कुछ तो क्षत्रिय या राजपूत होने के नाते हम लोग छोटा काम करना नहीं पसंद करते थे। तो उसमें कोई अभाव नहीं था हम लोगों को खाने पीने रहने वहने का, सब ठीक ठाक था, इसके लिए हम लोग बाहर गए नहीं, छोटी नौकरी नहीं पसंद किए, इसकी वजह से हम लोग वैसे ही रह गए। और बच्चे हमारे जो थे वो अब जितने बच्चे हैं सब अपने अपने पैर पे खड़े हुए, स्वयं वो अपना व्यवस्था किए और भगवान की दया से सब ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दो बड़े भाइयों के खानदान के, पर आपके आपके पिताजी और उनके भाइयों की सोच अच्छी थी ना इस मामले में, कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि इन दोनों को पढ़ाते हैं और ये दोनों पूरे खानदान को आगे बढ़ाएंगे? लेकिन है वो चीजें सारे से साधु स्वभाव थे पिताजी, उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया भाइयों का, ऐसा प्रसाद नहीं था हमारे घर में, खानदानी ऐसा हुआ तो सब उन्हीं के उसम था, मालिक चचा थे वो लोग देखते थे ये सब कचहरी लेकर पढ़ाई वढ़ाई सब पैसा उन्हीं को सब। और दादाजी थे, दादा कहते थे, दादा नहीं थे, पिता से बड़ा थे, तो उन्होंने काया से ये सब संभाल रखा था। वो भी सदु स्वभाव थे, घर साधु स्वभाव के थे, सभी गलत नहीं करते थे कुछ, तो वो सब पढ़ते थे, वो भी साधु स्वभाव के थे भाई भी हैं, लेकिन कुछ तो आता है कभी कभी काया चल पड़ जाता है लालच, कहाँ चले हमें भाई को लेते चले हैं, माता जी के लेते चले। लेकिन और जो एक बड़े थे हमारे भाई हुए बाद में एटीएम हुए, उन्होंने कभी नहीं किया उसका, आशा नहीं थी उनसे। लेकिन आप लोगों ने अपने दादाजी को देखा था? दादाजी को तो नहीं देखा, जो संग्राम सिंह जी थे। नहीं नहीं देखा। किसी ने देखा था? नहीं, हमारे वही बड़े भाई लोग, सबसे बड़े भाई ने देखा, पापा ने भी नहीं देखा? नहीं देखा। अच्छा, एक बड़ी मशहूर कहानी है कि आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वो जो आपके दादाजी थे वो कहीं पेशाब करने बैठे थे, उनको जबरदस्ती उठा दिया गया, और फिर उस घटना से उनका मर्डर हुआ, आपके पड़ोसी जो थे उनको भाले से मार दिया गया, तो हमारे परिवार पे आरोप लगा दिया गया कि तुम लोगों ने मरवाया है आपके परिवार पे, उस पे आपको क्या कहना है? ऐसा था कि हमारे जो दादाजी थे वो बड़े सीधे शांत स्वभाव के थे, और वो पूरा परिवार गाँव क्षेत्र लेके उनका वो था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में, हमारे घर में किसी कोई तकलीफ ना हो। और हमारे ही दादा के चचेरे भाई थे जो कि कुछ अय्याश टाइप के थे, और उनके अंदर उनका खर्च बहुत ज़्यादा था, तो अनर्गल खर्च करते थे, कहीं
साधु संत बुलाते थे, या तो कहीं वेश्या लोग आती थी या किसी तरह से उनके यहाँ आती थी, उसका खर्च वो बहन नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो सब हमारे दादा ही घर में हमारे दादी को बोलते थे कि जो भी खर्च इनको लगे सब दे देना, क्योंकि अगर ये लोग बगैर खाए जाएंगे या कुछ पाएंगे नहीं तो जाके जो भी बोलेंगे बाहर तो वो बदनामी मेरी होगी। तो इसके लिए वो बहुत हेल्प करते थे उनका। लेकिन उनके अंदर जो हमारे दादा के भाई थे, चचेरे भाई, उनके अंदर ये भावना थी कि मैं इनको जितना परेशान करूंगा वो इतना ही हमको देंगे। अच्छा, मतलब ये वही वाला हाल है कि सड़क पे उतर के अगर दंगे करेंगे तो सरकार बात मान जाएगी। कोई भी काम करते थे हमारे दादा तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। एक बार वही हम दोनों के घर के बीच में गली थी, तो उसी गली में वो हमारे दादा पेशाब करने के लिए बैठे। वो देखे दूर से तो आ करके वो पेशाब भी नहीं कर पाए थे, उनका हाथ पकड़ के उठाने लगे, उठो उठो यहाँ चलो चलो। हमारे बड़े पिताजी जो थे वो स्वाभिमानी टाइप के थे, तो वो बराबर उनको परेशान करते थे कि तुमको ऐसा करेंगे, नहीं स्वयं करते थे कि हमारे पिताजी हमको गुस्सा करेंगे, हमारे दादा पिताजी के पिताजी गुस्सा करेंगे, इसके लिए वो दूसरे से कह करके उनको परेशान करते थे। तो इस तरह से बहुत दिन तक दुश्मनी चली और बहुत बहुत वो हुआ। इसके बाद फिर उनका मर्डर हुआ और मारने वाले दूसरे थे। वो चाहते, मारने वाले चाहते थे कि ये दोनों आपस में भिड़े और हम मार के अपना काम पूरा कर लें। अच्छा, तो वो उसी पर्पज से इनको आके रात में दो तीन दिन पहले से ही बम्बई से आए और छिप छिप करके देखने लगे कहाँ समय मिले, मौका मिले, हम उनको खलास कर दें। तो ऐसे ही बनाव बनता गया कि सुबह 4 बजे के लगभग, उनका नाम माता प्रसाद सिंह था, तो वो सुबह 4 बजे उठ के टॉयलेट गए संडास, तो वहाँ वो लोग छिपे हुए थे। तो जब ये बैठे और सोचे कि अब तो समय निकल जाएगा, आज नहीं मार पाएंगे तो फिर नहीं मार पाएंगे, तो लोग अपना जो बल्लम भाला या गड़ासा ये सब था उसी को लेकर के पहुँचे, उनको मारे। लेकिन वो बहुत बहादुर थे, मारने के बाद वो अपना पकड़ लिए, पकड़ने के बाद भाला वाला अपना पकड़े, वो लोग मार के निकल गए। बाद में धीरे धीरे कुछ देर बाद उनकी सांस रुक गई, तो फिर उन लोगों के परिवार वाले हमारे पिताजी को और अपने भाई थे सबको फंसाने के चक्कर पड़े। लेकिन उन लोगों का कोई साथ देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से पिताजी वगैरह के ऊपर केस नहीं हुई, लेकिन हमारे पिताजी ही जा करके चाचा वगैरह कोर्ट में केस किए उनके खिलाफ केस, जिन्होंने रियल में मारा था, जो मारे थे उन लोगों के नाम पे केस किए और उन लोग पकड़े गए। एक तो उसमें जेल में ही मर गया, दूसरा काफ़ी दिन बाद छूटा और छूटने के बाद साधारण मौत से मरे। और हम लोगों के यहाँ से दुश्मनी अभी तक चली आई थी, उन लोगों का मानसिकता आज भी है कि हमारे परिवार को यही लोग सताए थे। पर जैसे कोई उसका उनको प्रूफ नहीं है तब भी सोचते हैं? हाँ, तब भी सोचते हैं। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं है, कोई वो नहीं है? कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, गांव में जलन का माहौल है, वो क्यों है, आपको क्या लगता है? हर गांव में ऐसा है कि कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। पर क्यों? मतलब उनके अंदर यही मानसिकता, चाहे जो राजपूतों का गांव हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का गांव हो, चाहे वो ओबीसी गांव है, हर गांव की समस्या है, हर गांव में ऐसे लोग रह रहे हैं। नहीं तो उन लोगों को यही होता है ना कि हम ही अगर जो कुछ हैं तो हम ही हैं, इसके लिए वो दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। और चाहे कोई भी कास्ट के हों, वो सब एक दूसरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, फंसाते हैं। अच्छा, कास्ट सिस्टम पे एक और सवाल, चूंकि आप उनके बीच में ही रहते हैं, वहां जाके जहाँ पे आपने वो पंपिंग सेट लगाया उनके बीच में ही लगाया हुआ है, तो क्या सारे शेड्यूल कास्ट एक दूसरे की को छुआछूत नहीं मानते? जैसे कि एक शेड्यूल कास्ट है जो भीमराव अम्बेडकर वाले हैं, दूसरे हैं जो कपड़े धोने का काम करते हैं, तो मैंने सुना जो कपड़े धोने का काम करते हैं वो उनके यहाँ पानी नहीं पीते, वो भी छुआछूत मानते हैं, ये सच है? हाँ, ये सब बातें सच है। वैसे अपर कास्ट मतलब जो क्षत्रिय ब्राह्मण या अपर कास्ट हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अच्छा, आप जो हरिजन हैं वो धोबी के यहाँ पानी पी लेते हैं, धोबी उनके यहाँ खा पी लेते हैं, धरिकार भी हैं, ये सब आपस में धीरे धीरे खान पान लोगों का बढ़ शुरू हुआ। हाँ, शुरू हो गया है। अच्छा, हम लोग पहले जमींदारी प्रथा से ही हम लोगों में कुछ ऐसा चला आया था, हम लोगों का भी वही गुण था। हमारे पिताजी वगैरह भी बताए कि देखो ये सब हमारे आदमी हैं, तो इन लोगों से हमारा, इन लोग नदी के किनारे थे, पहले बरसात होता था पानी उनी बहुत बढ़ता था, तो फिर डूबते थे, परेशान होते थे, तो हमारे पिताजी वगैरह इन लोगों को ला करके अपने ज़मीन में बसा दिए। बसाने के बाद ये लोग धीरे धीरे करके हमारे ज़मीन जितना दिया गया था उतना तो लिए ही,
बाद में ये लोग अवैध कब्जा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ट्रेन के अंदर एक बंदा आता है, कहता भैया थोड़ा बैठने की जगह दे दो, और उसके बाद पूरी सीट पर कब्जा करने लग जाता है। तो ऐसे ही कर, ऐसे ही हाँ, हो रहा है। अच्छा, तब वो लोग यही सोचे कि पूरा हम कवर कर लें, और हम लोग तो बोलते नहीं थे उस समय, हमारे चाचा वगैरह थे, तो चाचा उचा जब उन लोगों को कुछ पूछे उछे तो बोले भैया हमारा जमीन है, तो उसके ऊपर वो लोग केस किए, जा करके मुकदमा लड़े हम लोगों से कि मेरी प्रॉपर्टी है, ठाकुर लोग लेने नहीं दे रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मुकदमा वगैरह चला, मुकदमे में भी हमारे भाई डूडू सिंह जी थे, ये पैरवी करने के लिए हाई कोर्ट जाते थे, तो वहाँ से साथ में लेके जाते थे उन लोगों को कि कहीं कोई घटना हो गई, जैसे पहले माता प्रसाद सिंह का और हमारे पिताजी के पिताजी का हुआ था, तो ऐसे कोई फंसा देगा हम लोगों को। तो इसलिए हमारे परिवार में लोग होता था कि हमारे एंटी भले हैं ये लोग शेड्यूल कास्ट, लेकिन इनको कुछ होगा तो लोग हमको ही, ये लोग डाउट करके हमको ही फंसाएंगे, इसके लिए पूरी सेफ्टी करते थे इनका। और वहाँ जाते थे, साथ में जाते थे मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से फिर साथ में आते थे। कभी कभी इन लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो विदाउट टिकट आते थे, अगर कहीं टीटी पकड़ लिया तो इन लोगों को पकड़ के ले जाता था बंद करने के लिए। तुम्हारे भाई साहब बड़े दयालु थे, ये लोगों का पैसा दे करके इन लोगों को लेके आते थे साथ में। एक मैंने एक और दूसरी चीज़ भी देखी गाँव में, कोई अंग्रेजी में कहा हुआ था एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा किया है उसका कम से कम एहसान मानना कि चलो इसने हमारे साथ। गाँव में ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी का एहसान नहीं मानता, ऐसा क्या हुआ क्या? मतलब गाँव का जो चरित्र है उसका इतना बुरा हाल कैसे हो गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। पूरे गाँव, हर गाँव का यही हाल है। हाँ, देखने तक सर यही है बात, लेकिन कहा जाता है कुछ ऐसे हैं जिसको कहा जाता है पानीदार कहा जाता है, आसान, वो तो अपना वही करते हैं जो सबको सुटेबल होता है, हैं? लेकिन जो बेईमान टाइप के तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सबको अपना स्वार्थ सताने लगा है, हैं? तो वही चाहते हैं पहले उसका पूरा नष्ट कर दें फिर अपना काम करेंगे। इस धार्मिक प्रकृति के आदमी बहुत हो गए हैं, लेकिन हमको तो पसंद नहीं है कभी। जैसे आपके पिताजी थे आदरणीय गंगा प्रसाद जी सिंह जी, ठीक है, तो वो गंगा प्रसाद सिंह जी जो थे वो अपने जो भाई थे उसमें सबसे कमज़ोर वही थे, ठीक है, लेकिन धीरे 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 उनका परिवार जो है, और कमज़ोरों की तरह उनको ट्रीट भी किया गया, कमज़ोर का मतलब शरीर के बल से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पैसे रुपयों से, सबसे कमज़ोर थे चारों भाइयों में, और उनको उस तरह से मैनेज भी किया गया कि सबसे कमज़ोर है, सीधे आदमी है, तो चलो इनको थोड़ा साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन ये वही वाली बात है कि जैसे गजनी से वो आता था लूटने के लिए महमूद, आज अब गजनी में देखेंगे एक भी पक्का मकान नहीं, आज भी 2024 में सब मिट्टी के मकान है और बिजली नहीं जलती वहाँ पे। और जिस सोमनाथ को उसने तोड़ा था वो सोमनाथ इतना बड़ा है, इतना शानदार है कि होश उड़ जाएंगे। लगभग नहीं लगता वही हाल आपके पिताजी के साथ हुआ कि जिनको सताने की कोशिश की गई, परेशान किया गया, उनका खानदान बहुत आगे चला गया, ऐसा लगता है आपको? हाँ, तो हमारे पिताजी जो थे बहुत संत टाइप के थे, और उनका किसी से कोई मतलब वो गलत संबंध रखते नहीं थे, किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करते थे, सबका सहयोग करते थे, जो भी उनके अंदर थी जितनी कैपेसिटी थी उनके अंदर उतना सहयोग करते थे। और पूरे क्षेत्र के जितने भी यहाँ के हैं लोग हमारे पिताजी को बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि ये लोग किसी से पाँच पैसे लेते नहीं थे। इनके भाई, हमारे पिताजी के भाई साहब जो चार भाई थे, वो लोग जमींदारी की वजह से हर जगह से अगर एक खूंटा भी गाड़ते थे तो उसका 5 रुपये 10 रुपये चांदी का सिक्का था उसमें, या कहीं मकान उनको बनाना था तो 100-200 रुपये ऐसे करके लेते थे, तो वो लोग सब जो लेते थे अपने पास रख लेते थे। तो एक हरिजन था हमारे यहाँ, वो संपन्न था, तो एक बार हमारे पिताजी को बुलाया कि भैया हमारे यहाँ जमीन नपवा दीजिए, हम यहाँ घर बनवाएंगे। पिताजी गए वहाँ, वो खुशी से 20 रुपये दिए चांदी के उनको। तो पिताजी हमारे इतने ईमानदार थे कि जितने भाई थे उनके वो सब ले लेते थे, किसी को देते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी ले जा करके पैसा लिए, ले जा करके अपने भाई लोगों को दे दिए, ये पैसा हमको मिला है ले लो। तो वो सब ईमानदारी हमारे पिताजी की काम आई हम लोगों के। हम 6 भाई थे, बड़े भाई SDM हुए, उनके बाद एक विकलांग थे, लेकिन अब हमारे पिताजी के जितनी भी औलाद है सब तरक्की के रास्ते पर हैं, सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। और जैसे शुरू में हमारा मकान बना था, पुराना मकान, तो जमींदारों का जैसा मकान होता था वैसा ही मकान बना है, आज भी वो करीब 100 साल के ऊपर हो गया है, वैसे ही है, बच्चे मेंटेन करते हैं उसको। और
उस समय जिस समय बना था उस समय इधर 4-6-10 कोस में कोई मकान ऐसा था नहीं, और आज भी हमारे लड़के इस तरह का मकान बनवाए हैं कि जो नज़ीर है यहाँ का, पहले वाला मकान भी बेजोड़ था, आज का भी मकान बेजोड़ है। तो हम लोगों को तो यही लगता है कि हमारे पिता जिस संत आदमी थे उनके धर्म कर्म से हम लोग सुखी हैं, सब संपन्न हैं, सबका नाम है, और सब तो आज भी उनके बच्चे वही उसी ढर्रे पे हैं कि कहीं से मिल जाए तो अपना पकड़ लें, ले लें, किसी का ज़बरदस्ती ले लें। लेकिन आज भी हम लोग किसी का लेते नहीं, हो सकेगा तो मैं सहयोग कर दूंगा, नहीं तो फिर लेते नहीं। इसी वजह से आज भी हम लोगों का, हम तो स्वयं सोचते हैं कि आज की जो पीढ़ी चल रही है, पुराने जो थे वो तो आज भी हम लोगों को ज़मींदार ही मानते हैं। आज भी हम लोग जाते हैं निकलते हैं तो चारपाई बैठे रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, नमस्ते करेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा समय बदल रहा है, जो बच्चे कम जानते हैं हम लोगों के बारे में वो लोग थोड़ा नमस्ते वमस्ते नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग देखने से हम लोग वही इज्जत देते हैं जैसे पहले देते थे वैसे आज भी देते हैं। इसी वजह से हम लोग जहाँ भी हैं, हमारे यहाँ कहीं भी कोई सामान पड़ा रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उठा ले जाए। तो बस वही सब गुण है जो हम लोग सबको मानते हैं, सब लोग हमारी इज्जत करते हैं, इसी से हम लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। कबड्डी के बारे में क्या कहना है आपका? कबड्डी बहुत अच्छा खेलते थे आप तीनों भाई। हाँ ये तो सही बात है, तीनों भाई क्या पहले से खेलते हैं, हमारे खानदान ही कहते हैं खेल के माने में वो है जेनिया से, हमको कहा जाता है कहीं भी होता था पूछता था हम लोगों का ही होता था, हर खेल का हर कहा जाता स्टाइल भी दाव पेंच भी अपने आप मालूम होता था, सीखना पड़ता नहीं था, देखना पड़ता नहीं था, इसलिए हमारे घर के बराबर कहा जाता है कोई कहा जाता खेल भी नहीं पाता था। गांव का पास में नरहरपुर गांव है, हम तो पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कहा जाता है कमिश्री के लड़कों से खेला था, जो कमिश्री प्लेयर थे कबड्डी के वो लोग भी खेले, हमने हमारे साथी दो थे 70 लड़के एक हाल में थे लाज में, वो कहा जाते उसी में कमिश्री वाले थे, हम लोग पढ़ने के दौरान अपना कहानी बता रहा हूँ, मैं कहा जाता बीएससी में था बीएससी में, तो खेल रहे थे जौनपुर के लड़के जैसे कबड्डी हम लोग खेलते थे वैसे खेलते थे, हमारे में थे यहाँ जंघई के लड़के कुछ थे जो दुर्गई में भरा था, वो था वही बकबक सीधा, वो बोल दिया कहा था मिश्रा लाज वाले आ कबड्डी खेलने हम लोग चैलेंज किए, चैलेंज किया है, और मैं 70 लड़के थे, वो 70 लड़के में कहा कितने वाराणसी जिसने खेलने गए थे, उनका बहुत दलिद्र है उनको बोला उनका खेलोगे खेल लिया जाए, उनका तुम ही खेलना हम नहीं खेलेंगे, अब वो कहा जाता है चक्कर पड़ गए, तब आया तो एक मिला एक आदमी आया दूसरा आदमी पेशाब बाहर करने आया, ऐसे ऐसे वो बोल रहा था गलत, वो जाकर अंदर बोल रहा था वो कैसे बोल रहा है वो सब, तो हम कहा जाता है बैठे थे तब तक वो उसमें मिश्रा लाज में से लड़के निकले मालूम जैसे बारात आ रही है, 70 लड़के थे हमका जा खेला, साथी को डांटा अपने रूम के बगल वाले को उनका खेलो तुम ही खेलो जाकर, अच्छा उसमें एक का याद है यादव था कान टूटा टूटा था तो लड़ रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमारे बराबर कोई ताकत नहीं है, हम वो आओ देरी नहीं कि तभी बोला हो कबड्डी तो होगा ही कुश्ती भी होगी, तो लोग बहुत थे जबरदस्ती का हाँ कबड्डी होगा कुश्ती भी होगा कुश्ती भी लड़ेंगे हम, तो ये भाग पहलवान बुलाओ पहले पहलवान निकले वो कहा डबल हड्डी वाला कान टूटा टूटा कहा था सही पहलवान लग रहा था वो, तो देखें तो बल्कि वो यादव को बोला हम कि लड़ोगे इनसे, वो देख इधर तक रहा है उधर तक रहा है मुझसे कह रहा हम नहीं लड़ेंगे, गाली दिया बल्कि हैं हमका लड़ना नहीं था क्यों बोल दिए हमसे तो लड़ ही नहीं पाओगे हैं तुम उस पहलवान से लड़ोगे, अच्छा तो कहा गया था वो हुआ था तैयारी हुआ दीवानी पोखरे पर जाकर जौनपुर दीवानी पोखरे पर कहा था वहीं कबड्डी शुरू हुआ, अब कहा गया था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पड़ी है यहाँ था हमें मैं कहे बहुत ज़्यादा थे नहीं जो बता सकें लड़ सकें उस सकें, खाली दो ही थे एक हमारा साथी था
मीरगंज का वो था और मैं था, एक था मछली शहर का, तो डॉक्टर था, डॉक्टरी पढ़ रहा था, तो कह था बस अवधेश सिंह का यार कैसे कहते हैं तो कैसे कहते हैं और कोई नहीं करेगा है? हम जाते थे पढ़ाने, हमारा साथी जाता था मीरगंज का शुक्ला था, तब कहा था वो सब जाते थे उठा में जीतते थे, हम गए चार आदमी मार के आए। अच्छा, वो जो पहलवान देह हट्टा कट्टा वाला था उसको उन्होंने बोल देने कहा जबकि दबोच दे इनको इनको दबोच दो, हम थोड़ा सुने पहुँचे हमारे ताकत वहाँ से छटपटी ज़्यादा था। हमारे घर का मेन का यार खेल कबड्डी सब कुड़ी सब था, तब वो जैसे मैं पहुँचा जैसे सोचा कि पकड़ के दबा दो गिरा दो कहीं कूद दो, हम तो जानते रहे पहलवान राम पहुँचने का आया थे हमके पकड़े में बड़े जल्दी से, हम कहा अच्छा वो काया पूरा था हाथ लगा दिया हाथ लगा दिया माँ बवा गया वो हो गया डांडे खींच लिया सब है झटकत पटकत वही नाय माना था कहा कि एक नहीं मरा है तीन ही मरे कहना चार, वो कहे नहीं तब कहा था नहीं मानेंगे, हम कहा नहीं मानोगे तो खेल नहीं होगा खेल नहीं होगा, कहीं खेलना पड़ेगा आप सबको, वही हमको अधिकतर जो आया है इंग्लिश में भी वैसे भी है हिमाल आल इन दिस फील्ड इन दिस कॉलेज हैं सब कहने लगे, और वो कहा था बोल ही नहीं पाए हम कहा हो, उसमें हमारे साथी थे मिश्रा लाज में भी वो बेचारे हमारे साथ थे, एक वकील थे जनार्दन सिंह का याद है जौनपुर जिले के कहीं के उधर के थे, वो ब्लॉक प्रमुख के साले थे, तो कहा था अंग्रेजी बोला था अपने में उन्हें तीन के देते डांट दे रहे छुपाए जाते हैं, बल्कि एकदम बुत रहा वर्ष से ज़्यादा पानी मिलत रहा उनकर सब, जब चार भा चार के आठ हुआ हमारा चार था चार पॉइंट था सोलह, थोड़ा टाइम पहुँचते पहुँचते भाई मारे थे लेकर आठ था तब तक हम चौदह पहुँच गए, चौदह पहुँच गए कह नहीं खेल कह यार खेल उनका खेल नहीं होगा मानो यार खेल बंद करो ना माने खेल हम कह वो कह कहीं खेलना पड़ेगा हम कहा खेलेंगे नहीं आओ क्या करो कौन आ रहा है तो बिल्कुल ना हमारा वैसे हमसे वैसे हमसे बड़े जो भाई थे आदित्य नारायण सिंह जी वो भी कहा था इस खेल में कहा था हमसे कहीं ढेर आगे थे। अच्छा अच्छा, आप लोग के खानदान में था कि एक एक टीम में नहीं रखते थे आप तीनों भाइयों को, एक टीम में नहीं रहेंगे आप? हाँ ऐसा भी हुआ है बांट देते थे ऐसा हुआ। अच्छा, कि एक दो भाई एक भाई अलग अलग कर दो इनको एक साथ नहीं लड़े ऐसा भी हुआ है, पहले जब हम कहा से पढ़ रहे थे बीएससी में उसी साल एक हमारे चचेरे भाई थे वो भी प्लेयर बोल रहा हूँ हमारे खानदान में सबके सब प्लेयर का ऐसा जीनियस प्लेयर थे ऐसा नहीं साधारण, एक मुरली भाई थे जो रेलवे नौकरी करने लगे बाद में वो उल्टी पढ़ा रहे थे तब देसी कबड्डी हो रही थी, वो जाते थे चढ़ते चढ़ते सब जानते थे कि भाई इनको दौड़ने में कोई पाएगा नहीं, वो कौन करते करते वहाँ तरफ हो जाते थे फिर डांड तरफ का ऐसा और खेलने वाले हो जाते लाइन से अपोजिट पढ़ाते थे एकदम आगे पढ़ाते थे उनके, और इसके बाद कोई पकड़ने कोशिश भी करता था पाता नहीं था। पहले पहले पचाइया के लगातार कबड्डी होता वो बंद हो गया भाई या छोटा भी बंद हो गया था? बंद हो गया, कोई खेलने वाले हैं नहीं, बच्चे क्रिकेट ज्यादा पसंद करने लगे। अच्छा, कबड्डी वगैरह पे अब उन लोगों का इंटरेस्ट रहता नहीं, कोई नहीं खेलता गाँव में, कोई नहीं खेलते। अच्छा, गाँव में कबड्डी माहौल खत्म हो गया? खत्म हो गया है माहौल खत्म हुआ, लेकिन कहत यह है कि हमारे बड़े भाई जो हमसे हैं हमसे उनसे उसे कह हंसी हंसी मुँह होते हैं बगीचे में खेल रहे थे अपने, तो कह रहे थे वही कह रहे थे कि कहा था आए कबड्डी खेल ले पचैया के का जरूर आओ, आए पूछा आप खेलेंगे कह चला अब खेल खा लो अपन मनोरंजन मिटाए के वो करके पचैया मना लिए, लेकिन पसंद था खेल बड़ा गजब हो गया, मतलब पचैया वाला कैसे माहौल खत्म भा कोनों में दमे नहीं भी रही नहीं सब डर रहे हैं सब डर रहे हैं हाथ पैर टूट जाए उनका टूटा इनका टूटा वैसे तो क्रिकेट में भी टूटता है वो तो, और हम लोग आया थे ये सब देखते नहीं थे डरते नहीं थे टूटेगा नहीं टूटेगा कैसे टूटेगा फालतू टूटेगा, अब यही है चार था पहलवान जो तो आजकल की जनरेशन वो हो गई है मतलब वो स्त्री मजबूत नहीं रह गई है पहले वाला हाल नहीं, मजबूती नहीं है हाँ मतलब मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, अब तो मैंने देखा बगीचे में लोग आम भी नहीं बिन रहे हैं
छोड़ दिया सबने? हाँ, धीरे धीरे करके इन लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जाता रहा है। अब हम लोग हैं, आज भी हर चीज का शौक है अभी भी, भले थोड़ा वो है, कमजोरी हो गई है उम्र एज के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम लोग जो चाहते हैं कि ये चीज करना है वो करते हैं। और यही भाई साहब उदेश नारायण सिंह, ये जेवलिंग थ्रो में डिग्री कॉलेज टीडी कॉलेज में चैंपियन थे। जो तो एक बार मैंने देखा था आपने वो फेंक दिया था, पता नहीं बहुत दूर गया था, जो सनई होते हैं। हाँ, जेवलिंग थ्रो, जेवलिंग पहले जेवलिंग भी रखते थे हम लोग यहाँ घर पे, खेलते यही यही वो करते थे। और चचेरे भाई जो थे वो तो कहीं भी हो तो यूपी टीम से जाते थे कहीं खेलने के लिए, तो वो गोला या भाला फेंक में वो पहले दूसरी वो फेंक लेते थे प्लेयर सब, तो लास्ट में ये उठते थे पहला दूसरा के बाद, ये अकेले इस तरह से फेंकते थे कि 10 फीट 8 फीट 10 फीट दूर फेंक देते थे, इसके बाद बैठ जाते थे या तुम लोग फेंको अब जितना फेंकना हो। इस तरह से हमारे यहाँ प्लेयर थे, उसमें बाहर भी गए थे, श्रीलंका वगैरह खेलने गए थे, और उसी की वजह से उनको आरपीएफ में सर्विस मिला था इंस्पेक्टर का। हाँ, अब भी बच्चे हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं सब, लेकिन इन लोग क्रिकेट क्रिकेट ने देसी खेलों को खा गया, क्रिकेट सारे। हाँ, क्रिकेट की वजह से सभी खेल सारे देसी खेल सारे खत्म हो गए लोग। अच्छा, गवर्नमेंट का भी ध्यान पूरा क्रिकेट पे हो गया। नहीं, कबड्डी की भी लीग है लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। लीग खत्म, पहले तो कोई लीग नहीं था, अब लीग शुरू किए हैं, लेकिन अब उसमें क्रिकेट जैसा माहौल नहीं। उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत कम है, लेकिन हरियाणा में अच्छा माहौल है कबड्डी का, महाराष्ट्र में अच्छा माहौल है, केरल में बहुत अच्छा माहौल है कबड्डी, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। हाँ, इसीलिए यहाँ के लड़के अब और खेल में, कबड्डी में, भाला फेंक में या गोला फेंक में, इस तरह से कोई है नहीं। तो अभी भी इस उम्र में भी आके आप लोगों को लगता है कि वृद्धावस्था आ गई या नहीं लगता, अंदर से कैसा? नहीं, नहीं, अंदर से जो वो है मालूम होता है, कभी वही फोर्स है, बल्कि अधिक हो जाए कम नहीं है, अभी बोल रहा हूँ। आज भी अगर जैसे एज के हिसाब से खेलना हो जैसे होता है तो अंडर 19 अंडर 20 इस तरह से खेलना हो, अंडर 17 या अंडर 75 ईयर्स का हो तो भी हम लोग खेल लेंगे अच्छी तरह। हाँ, आप क्या कह रहे थे? यही खेल रहे थे गांव में भी, तो पढ़ने दौरान बताए थे, नदी किनारा है वरुणा नदी, हमारे चचेरे भाई थे। वरुणा नदी वही जिसके नाम पे बनारस का नाम वाराणसी है, यही वरुणा नदी है, वही नदी जी जी। और चचेरे भाई थे, पचैया के टाइम पहले एक ब्राह्मण था गया था नरहरपुर गांव का, वो उनसे पढ़ता था, दोस्ती किया था, तो बोला उनसे कि तीरथ तोरे गांव वाले कबड्डी खेलने मेरे गांव से हैं 50 रुपया बाजी, तो 50 रुपया बहुत था। अब कहा गया था सब नदी किनारे जुट गए, यहाँ ऐसा वहाँ पुल बना है, वहाँ कया जुट गए सब, और डांडा सब खींचा गया हुआ, लेकिन तीरथ से पूछा गया, चचेरे भाई थे मैं, पूछा गया कया था कि आप किसको ले रहे हैं, आपके साथ दो आदमी कह रहे हैं, एक आदमी तो आप हो गए उधर 8-10 आदमी से ब्राह्मणों में, एक आदमी तो आप अपने हैं, एक आदमी और किसको ले रहे हैं, खेलने वाले बड़े बड़े थे, तेजी सिंह थे, बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और सब थे, लेकिन उन्होंने कहा भी बताएंगे हम, खेल शुरू होगा तब, एक बात कहा गया था खेल शुरू हुआ तो कहा गया था कान खाली उनके लिए पुराना ना हो, वही नाम लेकर हमको उनको साथ लेंगे। कबड्डी हुआ और वो जाते थे पढ़ाने, तब मार के आते थे, मैं पढ़ाने जाता था मैं भी मार के आता था, इस तरीके तरीके जीत गया तो हार गए, उसके बाद पैसा तो नहीं दिया, 50 रुपये घड़ी रहा, वो कह हंसी हंसी में रख लें, कहते पैसा देवा तब चचेरे भाई, इस तरीके के जीवन है। अच्छा, तो अभी इस समय गांव का कैसा माहौल है, आपको लगता है गांव का माहौल अभी ठीक है? गांव का माहौल ठीक है, इसमें सभी लोग पैसा कमाने के चक्कर में हैं। यहाँ से हमारे गाँव के लगभग 90% लोग बॉम्बे रहते हैं, और वहाँ पे जाकर के ये लोग अवैध जमीन कब्जा किए, बेचे, फिर ब्याज पे पैसा लेना देना शुरू किया। इस समय हमारे गांव में संपन्नता है और कंपटीशन पैसा कमाने में, मकान बनवाने में, ये है हमारे गांव में। और कहीं के लोग आते हैं, किधर से भी लोग आते हैं दूर दूर के, तो भी कहते हैं कि ये गांव नहीं सिटी है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, इतना रेंज हमारे गाँव का है जिसमें लोग
बसे हुए हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके अंदर पैसों का इतना ज्यादा वो हुआ कि पैसा कमाने में इतने इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने धर्म को थोड़ा साइडलाइन कर दिया। जैसे सबसे छोटा उदाहरण है कि पचाइयां पे जो जो माहौल था गांव का, जो कल्चर था वो खत्म हो गया। इसी तरह से बाकी त्योहारों के भी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या हो रहे हैं। आपको लगता नहीं कि हिंदू जब अपना ही कल्चर भूल गया है खुद ही, तो किसी और से क्यों लड़ रहा है फालतू में भाई? तुम तो खुद अपना कल्चर, जैसे लोग कहते हैं गाय माता है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, बहुत लोग कहते हैं गाय माता है, तो भाई अगर गाय माता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, तो उसको कोई दो डंडा मार दे रहा है या कोई जान से मार दे रहा है, बुरा क्यों मान रहे हो? तो हिंदुओं ने अपना कल्चर खुद खत्म कर लिया है, तो किसी और को ब्लेम क्यों करते हैं हिंदू हर चीज में कि उनकी वजह से ये हो रहा है हमारे साथ में? नहीं ऐसा है, सब पहले गाय को माता लोग हम लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं। ऐसा था कि पहले जो बच्चे पैदा होते थे तो माँ उनकी दूध पिला के साल दो साल तक, ऐसी पहले की माएँ थी जो दो दो साल तीन तीन साल तक बच्चों को दूध पिला के बड़ा करती थी। तीन साल के बाद फिर वो गाय का दूध पीना शुरू करते थे। तो जिस तरह से माँ के दूध से ज़िंदगी उनकी बनती थी, उसी तरह से गाय के दूध से भी उनकी ज़िंदगी बनी बढ़ी। तो इसके लिए माँ का सेकेंड रूप गौ माता को माने हैं लोग। और अब क्या है कि दूध लेने के बाद दूध बेचते हैं लोग, जैसे और कास्ट वाले सब दूध बेचते हैं, बेचने के बाद गाय दूध से निकल गई तो उसको छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा करके जो जिनके पास ज़मीन है उनकी ज़मीन बुआई जुताई की वजह से पड़ी रह जाती है गाय के नाते, आवारा गाय सब छोड़ देते हैं, तो उसी से परेशानी हो रही है, परेशानी बढ़ती है। इसके लिए लोग गाय का धीरे धीरे सम्मान ख़त्म करते जा रहे हैं, मार के भगा देते हैं या किसी को दे देते हैं, ले जाते हैं काटते खाते हैं। मोहम्मदन जो हैं, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे दो बच्चे हैं एक बच्ची है। अच्छा मतलब तीन बच्चे हैं, दो लड़का है एक लड़की है। अच्छा सबसे प्रिय लड़का बच्चा कौन सा है आपका? हमारी लड़की है। आपकी चार बेटियां हैं, सबसे प्रिय बच्चा कौन सा है आपका? सबसे प्रिय हमारे सब बराबर हैं। सब बराबर उनका कहना है कि वो उनको केवल कुछ बच्चे बहुत पसंद है, बाकी बच्चे उनको नहीं पसंद है। हमारे पे लागू नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेरे वाइफ पे लागू होगा, वो तो कर लेती है, हमारे नाते वो भी नहीं कर पाती। इतने सालों तक आपकी आपकी पत्नी आपके साथ रही, आपकी हर बात सुनी और लगातार, आपकी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, जो लाइफ में मिले हैं सबका का सराहना करता हूँ, बढ़िया करता हूँ। भगवान वही सामने किया है तो दूसरे कैसे वो करूँ, वही प्रिय है। जब भगवान को प्रिय है तो हमको भी प्रिय है। हम बड़े भाग से काया वैसे बिखेड़ा करेंगे तो इधर भाग से साथ भी मिलता है, लोग भी मिलते हैं, वो भी चला जाएगा ज़्यादा फायदा कमाने पर करने पर पाप करने पर। अपनी माता जी के बारे में, माता जी हमारी बहुत सुंदर थी, हर तरह से सुंदर थी। उनका व्यवहार, हम लोगों का जो सेवा करना था सब कुछ, और हम लोग भी माता जी का बहुत ज़्यादा सम्मान किए, बहुत सेवा किए कि किसी तरह से इनके सेवा से हम लोग ऋण हो जाएं। और अंत तक माता जी 100 साल के होके मरी हैं। हम जितने भाई थे, तीन भाई थे, इनसे बड़े जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, दो भाई से कोई मतलब ही नहीं था। तीनों भाई हम लोग माँ के लिए ही जीते थे जब तक माँ थी हमारी, और उसकी हर इच्छा हम लोगों से यथासंभव पूरा ही करते थे, सेवा टहल सब कुछ। माँ जब अकेली थी, भाई लोगों की शादी, हमारे बड़े भाई जो थे इन लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो कभी काम कर करके वो थक जाती थी तो हम लोग उसका पैर दबाते थे, कमर दर्द करता था कमर दबाते थे, मतलब उसको किसी तरह से, बहन थी नहीं एक ही बहन थी, इसके लिए हम लोग सोचते थे कि हम ही उसके बच्चे हैं, बिटिया बेटवा सब हम ही लोग हैं, इसके लिए हम लोग बहुत सेवा करते थे। आपकी बहन की याद आती है आप लोगों को? हाँ बहन की याद आती, बहन बहुत अच्छी थी हर तरह से। याद डेली नाम भी लेता हूँ, बगीचे में मंदिर है ना, मंदिर के पास पहुँचता हूँ उसी के नहीं पूरे घर जितनी बहने थी, भाई थे बाप थे सबका वो याद करता हूँ, बोलता नहीं बांट नहीं देता कि हमारे भाई हैं हमारे का या तो पापा हैं वो हैं पहले वाले के, लेकिन जो और नए निकल रहे हैं भतीजे हों
कुछ नाम नामित कर रहा हूँ, इनको कहने पड़ेगा, बैरागी सिंह है, ये सब हैं, इनको कायर कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब थोड़े से चीज़ के लिए कायर से अपने को एकदम गर्द में डाल देते हैं, ये नहीं सोचते चलो उसको समझ में नहीं आया वो ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, हैं वो गिराया है तो मैं नहीं गिराऊँगा, वो अपने बदला लेने के चक्कर में ऐसा रहता। तो ऐसा नहीं है कि ये जिसका नाम इन्होंने लिया है ऐसा नहीं है कि बहुत ही बहुत ये सब करके जिंदगी में बहुत आगे चले गए, ऐसा कुछ नहीं, नहीं आगे क्या, अभी तक हमको शांति नहीं मिली है, उन्हें मिलेगी क्या? टेंडेंसी तो वही है, ऐसे कर लूँगा, इनका इतना माल लूँगा, ऐसे करूँगा, इनका इतना खेत ले लूँगा, ये सब होगा तो बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी कभी भी नहीं हुआ, मैं तो घर था, मुझे ही सामना करना पड़ता था, मेरे छोटे भाई, मेरे मुझसे बड़े भाई, ये सब तो परदेश थे, इनको सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कभी मुड़ा नहीं, एक जगह रोकते थे, कई जगह रोक देते थे बगीचे में। तो बहन की क्या क्या याद आती है आपको? बहन के साथ में बड़ी हुई थी, क्या याद क्या क्या है? इतनी सुंदर थी, इतनी वो थी हमको, उसका वही किससे शक्ल मिलती है आपसे, आपसे किससे मिलती है शक्ल? हमने कुछ कुछ होता है तो मेरे शक्ल को होगी, दांत वो मीडियम साइज के थे, चौड़ा चौड़ा थे, सुंदर थी, गोरी थी, लेकिन भाई को भी मानती थी, कुली भाइयों को। एक बार तो गया हूँ उसके यहाँ, तो वहाँ पानी रखने के भाड़ बहुत बड़ा था, यहाँ कुंडा कहते हैं जिसको, उसके यहाँ बहुत बड़ा था, वहीं खा रहा खिला रहे थे अपने हाथ से, वही मुझको लेकर खिला रहे थे, कह दिया कह रही कुंडा कितना बड़ा है बहन, चुचु चुचु कह देखिए लोग सुनिए कहीं देखा इनके सब कि यहाँ ऐसा हो सब। बचपन की याद बताइए बहन के, बचपन में कभी लड़ाई हुई हो? नहीं हम लोग तो इतने छोटे थे, बहन से लड़ाई नहीं हुआ है। कि बहन तो कितनी बड़ी थी आपसे, कितनी बड़ी थी वो? अरे हमसे कम से कम, हमसे क्या, हमसे बड़े कहा था, हमारे एक भाई हैं जिसको कहा आदित्य नारायण सिंह कहते हैं नाम है, उनसे करीब करीब नहीं कोई तो 2-3 साल की बड़ी होगी। अच्छा, उनसे 2-3 साल बड़ी थी, 10 साल ज्यादा बड़ी होगी। अच्छा, तो मतलब आप जब बड़े हो तब तक शादी हो गई होगी? हाँ शादी हो गई थी, शादी का याद हल्का हल्का आता है हमको। अच्छा, बहन का एक बार घर आई थी अपने घर से, इसके बाद फिर बीमार हुई, बच्चे हुए थे, बड़ा बच्चा उसका था 5 साल की उम्र में वो खत्म हो गया। अरे बाप रे, उसी टेंशन में। हरीश नाम था, हरीश नाम था हाँ, और लड़की का नाम था विचित्रा। विचित्रा, अच्छा, तो दोनों बच्चे दोनों खत्म हो गए? लड़का तो पहले ही खत्म हो गया था, उसी की वजह से बहन बहुत टेंशन में रहने लगी, खाना पीना ये सब बंद कर दिया वो। अरे 5 साल के बच्चे के बाद तो माँ की अगर सचमुच में प्रेम है बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो बहन खत्म हो गया, इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस का गया से केस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस उसी में गया से एक्सपायर हुई। लड़की थी जो वो 2-3 साल बाद जाके वो भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो भी ननिहाल के लिए तरस रही थी, जाएंगे हमको पहुंचा दो। इसके बाद फिर हम लोग कभी गए नहीं बहन की याद में कि वहां जाएंगे। बड़े भाई साहब का नाम डूडू भी एक है, हमें डूडू मामा के यहाँ भेज दो, इस तरीके से। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि उनके परिवार वाले ने ध्यान नहीं रखा ढंग से? ध्यान रखे होते तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान नहीं रखते थे, बड़े विचित्र खोपड़ी के थे। अच्छा, टीबी की बीमारी भी आपके परिवार में लाइन से हुई है, जैसे उनको हुई, पिताजी को भी थी, मुझे भी हुआ था टीबी, तो टीबी ऐसा लगता है जेनेटिक है क्या? हाँ जेनेटिक माना जाएगा। और जो आपका घर है लगभग 125 साल पुराना आप बता रहे हैं, उस घर के प्रति कितने कृतज्ञ हैं आप लोग? नहीं घर तो हम लोग संभाल के रखे हैं। और तो घर गिर गए सारे जो एज हाँ, के थे। इसके एज के तो सभी घर गिर गए हैं, कोई घर नहीं रह गए अब। और बच्चे भी मेंटेन करने के मूड में रहते हैं, घर गिर गया होता, बच्चे हमारे ऐसे हैं ऐसे कह लीजिए, अब कहना भी का या नाम लेना भी गलत होगा ऐसे में, इसलिए वही लड़का कैसा है जो कहा इतना खर्च करके बनवाया, क्या जो कहा उम्र उसकी 500 साल बढ़ गई, नहीं तो कहा घर कहा गिर ही गया होता। धीरे धीरे फिर भी लोग घर छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उन लोगों का मानसिकता ऐसा है कि इन लोगों के जाने से हम लोग जो बचे हैं उसमें बड़े चैन से उसकी उम्र भी बढ़ गई। वो उम्र बढ़ गई और लड़का जो मेंटेन कर रहा है मेन सुशील कुमार सिंह सीधी, वो उसका ध्यान बहुत ज्यादा है उस पर, जिस तरह से बच्चों का लोग ध्यान करते हैं या गार्जियन का ध्यान करते हैं उसी तरह से अब भी उनका ध्यान उसी पे है।
इसको हम बराबर मेंटेन रखेंगे। खेतियों का हाथ में काया उठो रहा है कुछ, और वही हम लोग भी सोचते हैं कि जब तक हम हैं तब तक इस घर से हमारा रिश्ता यहीं से खत्म हो। अरे कौन नहीं देखता, जो आता है वही पुराने घर चलिए, पुराने घर चलिए, जो बहुत देखा है वो भी वही पुराने घर, बिना पुराने घर से पेट भरता ही नहीं। और आपकी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हुई थी, उनके बारे में कुछ बताइए। पहले हम लोग जो थे, हमारे परिवार में लोक लज्जा ज्यादा था, और हम लोग उस समय देखते नहीं थे कि हमारी औरत है तो मैं इसको लेके कहीं बाहर जाऊं, क्या करूं कैसे करूं। तो संगठित परिवार के लिए माहौल ही था पूरा, हाँ, सबका संगठित परिवार के लिए और माँ के लिए, हम लोग हम कभी औरत को बाहर नहीं चाहे, पसंद नहीं किए कि हम लोग ले जाएं कहीं। बाद में कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं औरतों को, जो वो बीमारी उसको हुई, हम उस समय बाहर थे और कोई केयर करने वाला था नहीं, कोई अगर बताता भी था तो कुछ इस तरह से अवॉइड कर जाते थे कि ऐसी बीमारी होती है, औरतों की बीमारी है, ऐसा करके उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई। जब वो ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो मैं बम्बई था, वहाँ से आया, हमको फ़ोन गया, आए आकर के देखे, फिर तो ये पता चला कि इनको बच्चेदानी का कैंसर है। फिर यहाँ से हम उनको लेके गए बम्बई, वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि सेकंड पोजीशन उसका चल रहा है, तो वहाँ ले जाके फिर ऑपरेशन करवाए बॉम्बे हॉस्पिटल में। वहाँ से कैंसर का तो करीब करीब वो ठीक हो गया था। हमारे एक बड़े भाई साहब के लड़के हैं डॉक्टर के एन सिंह, तो वो भी देखे ओके, और कई जगह मैं दिखाया तो कहीं का कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि इनको कैंसर अब है, कैंसर ख़त्म हो गया था। और हमारे डॉक्टर जो थे वो भी बता रहे थे, चाचा कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि इनको कैंसर का प्रॉब्लम है। उनकी मौत हुई इस वजह से कि जो रेडियोथेरेपी हुआ था उनके कैंसर की जगह का, वो बहुत ज़्यादा हीट किए थे। वो डॉक्टर से मैं बात करता था तो बताते थे कि इस तरह से हीट किया गया है कि शरीर का अंदर का पार्ट जो है एकदम कोयले से भी काला हो गया है, इस तरह से जला दिया गया है। तो उसकी वजह से उनके जो पेशाब की नलियाँ थी वो सब धीरे 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 करके सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ गए, और हम बराबर दिखाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन सिकुड़न वो रुक नहीं पाया। बाद में जब सिकुड़न वो हो गया तो थैली लगाने के बाद भी पेशाब नहीं हो पाता था। फिर लेके गए हम यहाँ से बम्बई बाई रोड, रास्ते मौत हो गई। लेकिन उसके बड़ा दुखद रहा होगा ना जब रास्ते में इस तरह से। हाँ, उसके पहले जब वहाँ गए डॉक्टर को किए थे तो बताया कि ये थैली काम नहीं कर रही है, अब इस समय नया रिसर्च किए हैं, साइड से थैली लगाते हैं यहाँ से छेद करने के बाद बगल से, तो आंतरी काट के ऑपरेशन करके पेशाब की नली जो थी जोड़ दिए यहाँ बाहर के थैली में। तो जब 2 महीने बाद मैं डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये परमानेंट इलाज है कि ये थोड़े दिन के लिए है, तो एक ट्रस्टी औरत थी, बहुत सभ्य थी, डॉक्टर थी वो भी कैंसर की, टाटा हॉस्पिटल के बगल में, तो हमको बताई कि वैकल्पिक व्यवस्था है, इससे लोग 2-3 महीने 4 महीने से ज़्यादा नहीं चलते। फिर वही वहाँ से किसी तरह ठीक ठाक कुछ हो गई तो लेके आए घर। घर से ले आने के बाद जब फिर बीमारी बढ़ी तो सीरियस हुई, तो मैं फिर लेके बच्चे बताए कि जहाज से चले जाइए, चले आइए, मैं टिकट करवा देता हूँ, मुंबई ले जाइए। लेकिन वो घर से भी निकालने में हमको दिक्कत हो रही थी, उसके पैर में इतने सूजन हो गए थे पेशाब रुकने के बाद कि वो उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। किसी तरह से हम लोग घर के अंदर निकाले, बाहर गाड़ी में बैठाए, 4-व्हीलर में बाई रोड गए, नासिक पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो गई, फिर वहीं से वापस लेके आ गए। बहुत ही दुखद है। अभी हमारे 2 बड़े भाई जो हमसे हैं, अभी हमसे दादागिरी ये लोग करते हैं बराबर और पूरा परिवार हमारा बहुत सही है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारा कौन बच्चा है कौन बच्ची है, सब हम लोगों को इतना मानते हैं, और भगवान की कृपा से हम लोग भी उसी तरह से स्नेह रखते हैं। हम तो आज तक किसी, जितनी भी लड़कियाँ हैं हमारी, चाहे हमारे भाई की लड़की हो, हमारी लड़की हो, हमारे गांव की लड़की हो, हमारे क्षेत्र की कोई भी कास्ट की लड़की हो, हम सब लड़कियों की इज्जत करते हैं, सब हमको बहुत मानते हैं और सब खुश रहते हैं हमसे। बचपन में बम्बई में जब तू आवत रहा हमारे लगे, हमने याद भाई वहाँ हलावपुर रह गया रहे, 1 महीना भाग गया रहे वहाँ, हलावपुर भी आ गया रहे 1.25 महीना में,
तो आवत तू ही रहत रहा बावन चाले में रहत रहा। हाँ तो हमें यहाँ पसंद नहीं रहा है। पापा हम रोके हमका एक को महीना न रहते हुए चले। अब इनकी जिद बन आई पता नहीं काई रोकत है हम रहा भी हैं। हमका ठीक बता है हम तो न रहा हम नहीं रहे वहाँ। आते थे चाचा जी तो हम लोगों को मुझे और मेरी बहन को एक एक रुपया देते थे हमेशा। तो हम लोग वेट करते थे और हर हफ्ते हफ्ते में एक या दो बार जरूर आते थे। ठीक है तो एक एक रुपया देते थे कि एक एक रुपया ये लो तुम एक रुपया लो तुम एक रुपया लो। हम लोग उसका वेट जरूर करते थे बैठ के। बहुत 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 मजा आता था वेट करते थे बैठ के। और सबसे प्रिय एक लड़की हमारी है वो अलका अलका सिंह। उसको मैं बहुत पसंद करता था वो बहुत इज्जत करता था मैं उसका। हाँ हाँ थोड़ा सा ही समस्या है। करता हूँ आज भी बहुत याद कर रहा हूँ। और उसको मैं बुलाया था आने के लिए। बच्चे सब आ रहे थे घर मैं बोला कि आ जाओ तुम भी तो वो आ नहीं पाई। बोली ठंडी अक्टूबर नवंबर में आएंगे या दिवाली की छुट्टी में आएंगे। ठीक है तो फिर ये जिन दो लोगों से आप मिले हैं ये मेरे अपने सगे चाचा हैं और सबके इंटरव्यू जरूर लिए हैं मैंने पर ये इंटरव्यू लेने मुझे जो जो आनंद आया है वो अभी इसके पहले कभी नहीं आया था। क्योंकि जब आप अपनों से बात करते हो तो आपको आपका अपना इतिहास पता होता है। दुनिया का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है इसमें कोई दो राय नहीं पर अपना खुद का इतिहास पढ़ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझे इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।